आज सिपाही भर्ती में जिस तरह से बच्चों के प्रतिभा को दबा कर करके और पेपर लीक का पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये मामला को दबाने के लिए क्या क्या स्वरूप लाते हैं। और आज इनका मामला पूरी तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार ये बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता है। क्या लगता है ये जातीय गणना तो आप लोगों ने ही एक तरह से ये किया था और आज सामने आया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घर में है। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हायतवा मचा रही थी जदयू आरजेडी, बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है, कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ बिहार का, कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे? ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है, न विजन।